हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं स्टार्टर गाइड यूट्यूब चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम पेन ड्राइव को बूटेबल किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाकर विंडोज़ को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में केवल पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना ही सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक पेन ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल्स को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए सीधा वीडियो पर आते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो हमें गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर, और इसे जल्दी से मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसकी ऑफिशियल है पेन ड्राइव linux.com वेबसाइट है, और यहाँ पे हमको जस्ट नीचे थोड़ा आ जाना है और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे ये डाउनलोड शुरू हो गया है। तो अब आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की ISO इमेज फाइल आपको सबसे पहले डाउनलोड करने लिए, अगर आपका विंडोज़ है तो आपको विंडोज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लिनक्स को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको लिनक्स का दिखा देता हूँ। और अगर आपको विंडोज़ डाउनलोड करनी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, विंडोज़ 7 की ISO फाइल की लिंक, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। बट आपको उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको उसे एक्टिवेट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे आप खरीद लें। और अगर आप नहीं बिना लाइसेंस की के अगर उसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर इंस्टॉल भी होगा और वो अच्छे से भी चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। बट सिर्फ प्रॉब्लम इतनी होगी कि यहाँ पर आपको एक एक्टिवेट विंडोज़ करके एक आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा हमेशा, और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा जहाँ से आप जाके विंडोज़ के सारे वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, 7, 8, 9, 10। एंड यहाँ पे ये चीज़ डाउनलोड हो चुका है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करेंगे और लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से। आपको सिर्फ यहाँ पर आना है लिनक्स की वेबसाइट पर और डाउनलोड लिनक्स। ओके, इट्स नॉट लिनक्स, इट्स काली लिनक्स। ओके, काली.org, इट्स ऑफिशियल वेबसाइट kali.org/downloads। एंड यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ से 64-bit या फिर 32-bit का आपको यहाँ पर इंस्टॉलर देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर जस्ट क्लिक कर देना और यहाँ से ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, या फिर मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर 3.5 GB का ये 32-bit का, और जो भी आपका 64-bit का भी ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पर मैं इससे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर, आपको जस्ट इसमें आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये चीज़ आपको बस ओपन मिल जाएगी। इस चीज़ को ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ कर लेना है। तो यहाँ से मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कर लेता हूँ, विंडोज़ 7 मेरे पास ISO फाइल है, मेरे पास काली लिनक्स की भी है और विंडोज़ की भी है यहाँ पर, और यहाँ पे ये विंडोज़ की है मेरे पास। तो सिंपली मैं यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप में मैं जाके फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये ISO फाइल है, और आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राइव चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे अभी कोई ड्राइव नहीं शो कर रहा है, तो मैं जल्दी से अपनी पेन ड्राइव यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने अपनी पेन ड्राइव यहाँ पे अटैच कर दी है वापस, और यहाँ पे अब मुझे शो कर रहा है disk 1 7 GB यहाँ पे मेरे पास पेन ड्राइव है 8 GB की। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपकी जो भी कुछ पुराना डेटा है अगर उस पेन ड्राइव में, तो उसे आप बैकअप ले लीजिए क्योंकि वो पूरे तरीके से डिलीट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगर आपको यहाँ से NTFS पे क्लिक करना है एंड वाइप इंटायर डिस्क पे क्लिक करना है, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप पहले से ही अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लें, उसके बाद यहाँ पर
आपको कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना है, डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन होने में कुछ आधे घंटे लगती है, तो इसलिए मैं आगे का पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ और मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ इंस्टॉलेशन होने के बाद क्या क्या फाइल्स स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3.71 GB की यहाँ पे फाइल जो है मेरे यूटी के आई या इस पेन ड्राइव में स्टोर हो चुकी थी। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये पूरे तरीके से यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल का यहाँ पे लॉक फाइल भी सेव हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड सपोर्ट एंड ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आपकी पेन ड्राइव बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। जिसमें भी आपको इंस्टॉल करना है तो आप इसे पेन ड्राइव को लगा के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसे इंस्टॉल करना भी ज़रूर सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले कुछ वीडियोस में। और अंत में मैं आपसे बस यही कहूँगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन को दबाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता ही।